एक गिजली भालू अपने बच्चे को लेकर जंगल में घूम रही होती है, तभी बच्चे माँ को छोड़कर खेलने लग जाते हैं। बच्चे को खेलते हुए देखकर एक प्यूमा अपने लंबे जीभ निकाल कर सोचती है इसका मांस कैसा होगा। बच्चा जंगल में इधर उधर घूमने लग जाता है। प्यूमा उस बच्चे पर अपना नजर टिकाए रखती है। गिजली भालू का बच्चा पेड़ पर चढ़ जाता है जहाँ प्यूमा जंगल के अंदर से उसे छुप कर देख रही होती है। तभी बच्चा पेड़ से जंप मार कर उतर जाता है और जंगल की तरफ भागने लग जाता है। बच्चा रुक कर इधर उधर अपनी माँ को देखता है, उसकी माँ उसे कहीं दिखाई नहीं देती है। तभी प्यूमा उसे देखकर उसका पीछा करती है। प्यूमा के डर से बच्चा दौड़ते हुए जाकर एक गिरी हुई पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी प्यूमा उसका पीछा करते हुए आकर उसी पेड़ पर चढ़ जाती है। तब बच्चा उसे देखकर घबरा जाता है और पेड़ से नीचे नदी में गिर जाता है। प्यूमा पेड़ पर से देख रही होती है, बच्चा बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी प्यूमा उसे देखकर पेड़ से उतरकर उसे पकड़ने के लिए नदी के बाहर से दौड़ते हुए जाती है। प्यूमा को देखकर बच्चा नदी से बाहर निकलकर दौड़ता है। बच्चे की भूखी प्यूमा नदी के बाहर से पत्थर पर भी पूरी तेजी से दौड़कर बच्चे को पकड़ लेती है। बच्चे को पकड़ते ही प्यूमा अपने पंजे से मारते हुए बोलती है, बहुत दौड़ाया तुमने, अब तेरा मांस खाए बिना नहीं जाने वाला। प्यूमा की बात सुनकर बच्चा अपना 5 इंच का मुंह खोलकर रोने लग जाता है। बच्चे का इतना बड़ा मुंह देखकर एक बार तो प्यूमा डर से उसे पूरी गौर से देखती है। बच्चा प्यूमा के डर से जा रहा होता है, तभी प्यूमा अपने दोनों पंजे से बच्चे को मारती है। तब बच्चा भी गुस्सा हो जाता है और वो भी उसे मार देता और अपना मुंह खोलकर माँ को बुलाने लग जाता है। तभी उसकी माँ गिजली भालू बच्चे का आवाज सुनकर बच्चे को बचाने के लिए आ जाती है और प्यूमा को पकड़कर उठाकर पटाक देती है। गिजली भालू अपने दोनों हाथ से प्यूमा को मारती है और बोलती है, मेरा बच्चा से पंगा क्यों लेता है, मेरा बच्चा ने तेरा क्या बिगाड़ा। प्यूमा भालू से माफी मांगते हुए पीछे की तरफ खिसक जाती है। प्यूमा गिजली भालू के डर से जंगल की तरफ भाग जाती है और गिजली भालू अपने बच्चे के साथ प्यार से रहती है। दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।